सभी गुलामों के बीच खड़ी शीजा अलग ही नजर आ रही थी। गुलाम खाने के पहरेदार के हुक्म की तामील करते हुए सभी गुलाम अपने अपने कपड़े उतारकर सिर झुकाए हुए खड़े थे। एक अकेली शीजा ही थी जिसने अभी तक पूरे कपड़े पहने हुए थे। अपनी नजरें नीचे किए हुए शीजा ने अपने सीले मिट्टी भरे शॉल को कसकर अपने शरीर पर लपेटा हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी, कीचड़ और बारिश के पानी से एक मटमैले रंग की मोटी परत चढ़ गई थी। उसका गोरा रंग इस वक्त शरीर पर लगी मैल और गंदगी से ढका हुआ था। बाल बिखरे हुए, आंखें नींद की कमी और लगातार रोने से लाल हो चुकी थी। डर, थकान और कमजोरी से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बिना कुछ खाए पिए बारिश में भीगने और चिंता की वजह से उसका सिर दर्द करने लगा था। तभी पहरेदार की आवाज फिर से गूंजी, तुमने सुना नहीं क्या? अपने कपड़े उतारो इसी वक्त। इस आवाज को सुनकर लगभग सभी गुलाम डर गए। पहरेदार की कर्कश आवाज जो हुक्म दे रही थी उसे सुनने के बाद भी शीजा बिना किसी हलचल के खड़ी थी। इस बात ने कई गुलामों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये गुलाम अपने फर्श पर गिरे कपड़ों को झुककर उठाते हुए शीजा की तरफ देखने लगे, पर शीजा ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो वैसे ही बुत बनी खड़ी रही। पहरेदार का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वो दो कदम आगे बढ़ा और गुस्से में शीजा को घूरने लगा। शीजा ने चोर नजरों से देखा कि ये हल्की लाल आंखों वाला पिशाच पहरेदार काफी ऊंचा लंबा था और इसकी आंखों से इस वक्त आग बरस रही थी। शीजा को लगा गुस्से में कहीं वो पिशाच उसका खून न पीने लगे। चुड़ैलों और पिशाचों के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां उसने अपने गांव में सुनी थी। न केवल गुलाम बल्कि सभी पहरेदार, जिन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था कि सभी गुलाम ठीक तरह से पेश आए, वो सब भी चौंक गए। अक्सर गुलामों के नहाने के दिन पे पहरेदार उनके कपड़े उतरवा कर गुसल खाने तक उन्हें जाते वक्त देखा करते थे। आज से पहले कभी किसी गुलाम की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो नाफरमानी करे। गुलामों को प्रताड़ित करने के अलावा ये नहाते वक्त उन्हें इस तरह बेइज्जत होते देखने का वक्त पहरेदारों के लिए मनोरंजन का बड़ा जरिया होता था। और इस लड़की की हिमाकत से पहरेदार उसे मिलने वाली प्रताड़ना का अंदाजा लगा चुके थे। शीजा पर पड़ने वाली मुसीबत को समझ नुसरत ने एक बार फिर कोशिश की, अपने कपड़े उतारो शीजा, कोई बहस नहीं। नुसरत ने बहुत धीरे फुसफुसाते हुए कहा ताकि कोई पहरेदार उसकी बात न सुन ले। लेकिन शीजा को एक उंगली तक ना उठाते देखकर नुसरत सोचने लगी कि कहीं शीजा बेचे जाने के सदमे से पागल तो नहीं हो गई। कोठरी से निकलते वक्त नुसरत ने शीजा को समझाया था कि दारोगा से बचकर रहना है, लेकिन बजाय इस बात को समझने के शीजा ने दारोगा की मौजूदगी में एक पहरेदार का हुक्म अनसुना कर दिया था। इधर शीजा का शरीर भले ही सुन्न सा हो गया था पर उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। आज तक उसने किसी के सामने अपने कपड़े नहीं उतारे थे। वो सोच चुकी थी कि चाहे जो हो जाए पर यूं इतने लोगों के सामने वो खुद को जलील नहीं करेगी। गुलाम खाने का दारोगा जो अब तक गलियारे के दूसरी ओर से चुपचाप ये सब देख रहा था, उसने पहरेदार की तरफ देखकर अपना हाथ हवा में उठा दिया। इसका साफ मतलब था कि पहरेदार किसी भी हुक्म को मुंह से निकलने से पहले फौरन अपना मुंह बंद कर ले। दरोगा ने अपनी उंगलियों को हवा में एक खास तरीके से दाएं बाएं हिलाया जो शायद कोई इशारा था। इस इशारे को समझकर पहरेदारों ने अपना सिर हां में हिलाया। साफ था कि इशारों में कोई हुक्म दिया गया और समझ भी लिया गया। पहरेदार ने चिल्लाकर शीजा को हुक्म दिया, ए लड़की तुम यहीं रुको, बाकी के सारे गुलाम सीधे गुसल खाने में जाएं और खुद को ठीक से साफ करें। अपने आप को और अपने कपड़ों को धोकर चमकाओ, कल तुम लोगों में से बाजार में बेचने के लिए गुलाम चुने जाएंगे। इतना कहकर वो लंबा पहरेदार शीजा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया।
बाकी के गुलाम शिजा के दोनों ओर से कतार बनाकर आगे चल दिए और गलियारे के आखिर में बने दो बड़े बड़े दरवाजों के पास जाकर रुक गए। यहाँ से सारे लड़के बाईं और लड़कियां दाईं तरफ के बड़े दरवाजे में दाखिल हो गईं। शिजा अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी, पर बाहर से वो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। लगभग इसी पर दो पहरेदारों ने पीछे से आकर शिजा की दोनों बाहें पकड़ी और उसे घसीटते हुए गलियारे के दूसरी तरफ ले चले। गलियारे के जिस ओर बाकी के गुलामों को ले जाया गया था, उसके ठीक उल्टी तरफ पूरा गलियारा पार करके शिजा को घसीटते हुए ले जाया गया। गलियारे के आखिर में एक और सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। इन सीढ़ियों के ठीक सामने एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था जो बंद था। पहरेदारों ने इस दरवाजे को खोला और शिजा को अंदर धकेल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस कमरे की दीवारें काले रंग की थी। एक बड़ी लालटेन से पूरा कमरा मध्यम रोशन था। इस कमरे के बीचों बीच दीवार के साथ एक बड़ी सी लकड़ी की मेज थी जिस पर स्याही दवात और बहुत से कागज रखे थे। देखने से मालूम होता था कि ये दफ्तर की तरह इस्तेमाल होने वाला कमरा था जिसमें सोया भी जा सकता था। शिजा मेज पर झुककर वहां रखे कागजों और चीजों को देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। घबराकर शिजा सीधी खड़ी हो गई, पर अब उसे अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस हुई। शिजा उस एहसास से बचने को आगे बढ़ी और लड़खड़ाकर मेज पर लगभग गिर पड़ी। अपने आप को संभाल कर उसने पलट कर देखा तो ये कैद खाने का दारोगा था। इस एक पल में शिजा के दिमाग में 100 तरह के ख्याल एक साथ आने जाने लगे। उसे अपना गांव याद आने लगा, माँ याद आने लगी, चाचा चाची का धोखा याद आने लगा और साथ ही ये ख्याल भी आने लगा कि गांव में तो वो लोगों से झगड़े मोल ले लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर बात ना मानकर कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी पहरेदारों ने कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। शिजा ने दारोगा की तरफ देखा। वो बहुत ज्यादा लंबा था और उसके होंठ के ठीक ऊपर एक गहरा चोट का निशान था। उसकी आंखें हल्की लाल थी जो इस वक्त गुस्से और नफरत से भरी हुई थी, और इस नफरत को शिजा साफ साफ देख पा रही थी। शिजा घबरा गई क्योंकि ये अच्छी बात नहीं थी। नुसरत ने उसे समझाया था कि इस आदमी की नजर में नहीं आना है और शिजा ठीक वही कर बैठी जिसके लिए मना किया गया था। दारोगा एक एक कदम बढ़ाकर शिजा की ओर आने लगा। जैसे जैसे वो नजदीक आता जा रहा था, शिजा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। इस ठंड के मौसम में भी उसे अपनी पीठ से पसीने की बूंदें नीचे फिसलती हुई महसूस होने लगी। लड़खड़ाकर वो पीछे हटी और एक कुर्सी से टकरा कर नीचे गिर गई। किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और दारोगा से बचने के लिए मेज के चारों तरफ गोल घूमने लगी। दारोगा उसका पीछा करने लगा। दारोगा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिजा के चेहरे को छूने ही वाला था कि अचानक शिजा ने मेज पर रखा हुआ चांदी का भारी फूलदान उठाया और दारोगा के सिर पर दे मारा। शिजा को लगा था शायद इस चोट से दारोगा को कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन वो शिजा की नादानी पर मुस्कुराया और हंसता हुआ उसके बहुत नजदीक आ गया। दारोगा एक पल को रुका और उसने अपना हाथ अपने माथे पर लगाया और शिजा पर एक कहर भरी नजर डाली। अगले ही पल शिजा को एहसास हो गया कि वो एक पिशाच था और शिजा जैसी नाजुक लड़की चाहे कितनी भी ताकत लगा ले पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। दारोगा पर हाथ उठाकर शिजा ने उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अपनी आंखों में दुगनी नफरत लिए वो शिजा को घूरता हुआ आगे बढ़ा। शिजा के हाथ से फूलदान छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मन ही मन शिजा ने समझ लिया था कि बस अगले ही पल उसकी मौत होने वाली थी। दारोगा उसके साथ न जाने क्या करने वाला था। खौफजदा शिजा एक एक कदम चलती पीछे दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी टांगे कपकपा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। वो लंबा पिशाच शिजा के पास बहुत पास आ गया और उसने अपने पीले पैने दांतों से एक भद्दी सी मुस्कुराहट शिजा की तरफ उछाल दी। शिजा ने डर के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। दारोगा ने अपना हाथ बढ़ाया और शिजा की नाजुक गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। ये पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिजा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दारोगा के हाथ का दबाव शिजा की गर्दन पर बढ़ता ही जा रहा था और किसी भी पल शिजा की सांसें उखड़ सकती थी। शिजा चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे शिजा की सारी ताकत और हिम्मत जवाब दे गई हो। वो हार मान चुकी थी और अपनी मौत को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर चुकी थी। दारोगा शिजा के पास आया और उसके कान में धीरे से बोला, मैंने बहुत से गुलाम देखे हैं, तुमसे भी बुरे बुरे। उनकी गर्दन तोड़कर उनके गर्म गर्म खून का मजा लेते हुए उन्हें पल पल तड़पते हुए देखा है। जानते हो, जब मेरी जकड़ में फंसे लोग अपनी जिंदगी के लिए तड़पते हैं तो उनकी उस लाचारी से ज्यादा मजेदार चीज और कोई नहीं होती। अजब सा नशा होता है उन्हें यूं मजबूर बेबस देखकर। शिजा ने सुना और कांपती धीमी आवाज में बस इतना ही कह पाई, मुझे जाने दो, जाने दो। कह तो दिया लेकिन शारीरिक रूप से शिजा कोई प्रतिरोध नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत देखकर वो पिशाच दारोगा हंसा और शिजा को गर्दन से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। शिजा की आंखों में डर भड़ गया। दारोगा ने उसी पल एक जोरदार धक्का देकर शिजा को नीचे फर्श पर गिरा दिया। जिस फूलदान से शिजा ने दारोगा को घायल करने की नाकाम कोशिश की थी उसी को अपने हाथ में उठाकर वो गर्जा, कपड़े उतार। शिजा अभी तक अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को रगड़कर अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो पिशाच फिर दहाड़ा, लड़की कपड़े उतार। अवाक शिजा समझ नहीं पाई कि क्या कहे। उसे मारा पीटा जाता या उसका खून कर दिया जाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन ऐसी घटिया बात के लिए वो तैयार नहीं थी। ये बात सुनकर वो भड़क गई और चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं, क्या हूँ? इस तरह किसी के भी सामने अपने कपड़े भला क्यों खोलूंगी? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? लेकिन इसके जवाब में दारोगा ने अपने सीधे हाथ से एक झन्नाटेदार तमाचा शिजा के नाजुक गाल पर रसीद कर दिया। ये झापड़ इतना तेज था कि शिजा अपनी जगह से हिल गई और उसके कान में झनझनाहट सी होने लगी। दारोगा को लगा कि शिजा को संभलने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शिजा की आंखें किसी दूसरी चीज को ढूंढ रही थी जिससे वो फिर से दारोगा पर हमला कर सके। शिजा ने दीवार के साथ रखी मूर्ति उठाई और अपने दोनों हाथों से पूरे जोर से उसे दारोगा पर दे मारा। इस बार दारोगा चौंक गया क्योंकि इस हमले के लिए वो तैयार नहीं था। हालांकि इससे भी उसे कोई चोट नहीं लगी और ना ही कोई नुकसान ही पहुंचा। वो शैतानी हंसी हंसने लगा। कमरे में उसके ठहाके गूंजने लगे और शिजा अलबला गई। उसे उलझन में देख हंसते हुए दारोगा ने कहा, बहुत वक्त के बाद इस गुलाम खाने में कोई ऐसी लड़की आई है जिसे काबू करने में मजा आएगा। अब तुम मेरा दिल बहलाने का सामान बनोगी। शिजा को पता था कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती। वो अच्छे से समझ चुकी थी कि वो चाहे जितनी बार इस आदमी पर हमला कर ले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उल्टे दारोगा का गुस्सा ही बढ़ेगा। तभी दारोगा आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ शिजा के सिर के पीछे लगाया और उसके बालों को बेदर्दी से इतनी जोर से खींचा कि शिजा दर्द से कराहने लगी। दारोगा शिजा के बिल्कुल पास आ गया। उसके मुंह से अजीब सी गंदी बू आ रही थी जिसमें सांस लेना मुश्किल हो गया था। शिजा बदबू सहन नहीं कर पा रही थी और घिन से उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया।
फिजा के ऐसा करने से उसका चेहरा एक ओर मुड़ गया और उसका कान दारोगा के मुंह के बिल्कुल पास आ गया। दारोगा उसके कान में बोला, मुझ पर हमला करके तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, वो भी एक बार नहीं दो दो बार, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना होगा ताकि तुम यहाँ के तौर तरीकों को मानना सीखो। और पहला नियम ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो भी कहूँ उस हुक्म को मानना ही होता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और दारोगा ने शिजा को झटक कर दूर कर दिया और फिर उसने दस्तक का जवाब देते हुए कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। एक पहरेदार अंदर आया और उसने बहुत विनम्रता के साथ कहा, माफी चाहता हूँ साहब, लेकिन बाहर कुछ बहुत अमीर ग्राहक यहाँ से खरीदे गुलाम की कोई शिकायत लेके आए हैं। बहुत समझाया लेकिन आपसे मिले बिना जाने को राजी नहीं है। दारोगा ने सवाल किया, इंसान है या पिशाच? साहब शुद्ध रक्त वाले पिशाच। दारोगा ये सुनते ही तपाक से बोला, यानी सबसे ऊंची नस्ल के अमीर और बेहद ताकतवर पिशाच। दारोगा ने एक नजर शिजा पर डाली और पहरेदार से बोला, इसे ऊपर कैद खाने में डाल दो, इससे मैं बाद में निपटूंगा, उन लोगों का काम करना सबसे जरूरी है। चलो चलकर देखते हैं कि क्या मसला हुआ है। दारोगा और पहरेदार बाहर चले गए और उनके कमरे से निकलते ही वही दो पहरेदार वापस आए जो शिजा को इस कमरे में लाए थे। वो शिजा को घसीटकर कमरे के सामने बनी सीढ़ियों के ऊपरी मंजिल पर ले गए। इस मंजिल पर भी नीचे जैसा गलियारा था और गलियारे के दोनों तरफ जेलनुमा कोठरियां थी जो खाली लग रही थी। नीचे की मंजिल के मुकाबले बहुत ज्यादा अंधेरा यहाँ पर था और अजीब सी घुटन और बदबू थी। सिर्फ एक लालटेन थी जिससे पूरे गलियारे में कुछ भी देख पाना आसान नहीं था। शिजा को आखिर में बाईं ओर की कोठरी में एक पति पत्नी बैठे हुए दिखाई दिए और उससे थोड़ा सा आगे दाहिनी ओर की कोठरी में शिजा को बंद कर दिया गया। लाचार शिजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसने सामने की कोठरी में बंद पति पत्नी से बात करने की कोशिश की। वीर जी, आपका नाम क्या है? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब शिजा ने उसकी बीवी से बात करने की कोशिश की। आप लोगों को भी यहाँ पर किसी हुक्म को ना मानने के कारण बंद किया गया है क्या? मेरा नाम शिजा है, आप लोग कौन हैं? कहाँ से हैं? लेकिन शिजा की किसी भी बात का जवाब देने की जगह वो दोनों पति पत्नी उठे और एक दूसरे का हाथ थामकर दीवार की ओट में जाकर सलाखों से परे होकर बैठ गए। अब शिजा उन्हें देख नहीं सकती थी। शिजा के सामने वाली कोठरी में बंद पति पत्नी दीवार की ओट में जाकर छुप गए। शिजा के बार बार पुकारने पर भी दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी इस हरकत से जाहिर था कि या